नाना पाटेकर की बात मैं कर रहा हूँ जी, क्या लगता है पूरे विवाद को आपने सुना होगा, देखा होगा? नहीं जी, मैं तो इस तरह के विवादों में पढ़ता नहीं, लेकिन आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। क्या कहना चाहेंगे जो जो एलिगेंट जो दो चीजें सुन लो, एक स्त्री की मर्यादा के ऊपर हाथ रखा गया, स्त्री का निरादर किया गया, स्त्री की तौहीन की गई, और अगर ये सिद्ध होता है और ये बात सच्ची है तो जिसने किया है उसको उस अपराध का दंड मिलना चाहिए, ठीक है? वो नाना पाटेकर हो या अन्नू कपूर हो या सोहेल ततारी हो या नरेंद्र मोदी, स्त्री का अपमान, स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु आप प्रूव लाइए और जिसको दंड देना है वो दंड दीजिए। बगैर प्रूफ के आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर सिर्फ लांछन लगाती हैं तो लांछन लगाने के साथ साथ इतने सारे प्रश्न सामने आ गए हैं, उसका जवाब दे दीजिए। जवाब ये पूछा जा रहा है। आज आज हमारे महाराष्ट्र के उप जो गृह मंत्री, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए ना, आप मीडिया के सामने क्यों ट्रायल कर रही है भाई? तो इसका मतलब यह है कि कहीं आपके इंटेंशंस के ऊपर मुझे शक होने लगता है। भैया मेरे को गड़बड़ है, मैं कहां जाऊंगा? मेरा लोकतंत्र है, मेरा पुलिस है, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा ना। लेकिन आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा रही हैं। वो गृहमंत्री जी ने बहुत मास्केर, क्या नाम है अपने गृहमंत्री, बहुत अच्छी बात की, लॉजिक की बात करो। हम किसी के ना फेवर में हैं ना किसी के अगेंस्ट हैं, हम तो सत्य के साथ है जी। आप प्रूव कर दीजिए, हो जाएगा काम हमारा। आज तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय आदरणीय गोगोई साहब हमारे चीफ जस्टिस, उससे पहले न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी है। अरे यार हमारा न्यायालय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारा हिंदुस्तान, ठीक है? हमारी कुछ 10 कमियां हो सकती हैं यार, उन कमियों को दूर करेंगे हम। लेकिन इस भारतवर्ष के अंदर ऐसी भी आवाजें हैं, भारतवर्ष की भूमि पर रह के भारत हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान गंदा देश है, मुर्दाबाद के नारे वहां जेएनयू के अंदर लगते हैं। उससे बड़ा प्रजातंत्र आपको क्या चाहिए यार? उससे बड़ा और जमहूरियत आपको, डेमोक्रेसी क्या चाहिए? नेहरू से भी एक बार, जब नेहरू जी बात करते थे गरीबी की हटाएंगे, आजादी आएगी, अपना राज होगा, बहुत फेमस किस्सा है। एक बुढ़िया नेहरू जी के पास आई और बुढ़िया ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया नेहरू को, ये क्या है, ये कौन सा अपना राज है, गोरे चले गए, अब हमारे को सुनता नहीं है, हमारी गरीबी कट जाएगी, कौन सा स्वराज आया है, क्या प्रजातंत्र की बात कर रहा है? तो नेहरू जी ने कहा, माई इससे बड़ा प्रजातंत्र और क्या हो सकता है कि तू भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को सबके सामने गाली दे रही है, मैं सुन रहा हूं, इससे बड़ा प्रजातंत्र क्या हो सकता है? बहुत अच्छा देश है यार हमारा, ठीक है? इतने बड़े देश के अंदर इतनी समस्याओं के साथ जूझना, जहां कितनी तरह के धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, भाषा है, अंचल है, किसी के नाम पर एक नहीं हो पा रहे, तो भारत माता के नाम पर एक हो जाओ यार, तिरंगे के नाम पर एक हो जाओ। आप तिरंगा का अपमान करते हो, पीट रहा उन लोगों को जो तिरंगे का और राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं, जो स्त्री की स्मिता से खेलते हैं। अगर प्रूफ हो जाए तो अंदर कर दो, फांसी चढ़ा दो, अब तो फांसी आ गई है ना, सीधा क्लियर बात है यार। लेकिन मुझसे ये सुनवाना कि तनुश्री दत्ता गलत है कि नाना पाटेकर गलत है, बगैर सत्य को जाने हुए किसी को भी ना तो मैं गलत बोलूंगा ना सही बोलूंगा, क्लियर है? सर हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई आपने? यस, हमारा एक और कलीग था, जूनियर था, उसका करियर बर्बाद हो गया सर। उस लड़की ने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, उसका रेप का वो पूरा मेडिकल टेस्ट हुआ, उस बेचारे का करियर बर्बाद हो गया, शायद नहीं अनुजय का, उसने फौरन रिपोर्ट लिखवाई। आप 10 साल के बाद तो फिर प्रश्न उठने खड़े होते हैं। नाना पाटेकर के भी सपोर्ट में कुछ लोग, अरे मैंने नाना पाटेकर के साथ काम किया, बल्कि मेरी लाइफ की जो पहली फिल्म मैंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की उसका मेन हीरो तो नाना पाटेकर था। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, उस टाइम के ऊपर नाना पाटेकर 65 लाख रुपए लेता था, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट देखने के बाद, फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, नाना पाटेकर ने मेरी फिल्म 21,000 रुपए में की थी। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी गवाऊ, वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो प्रश्न उठ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं तनुश्री के साथ नहीं हूं, नहीं, मैं हर उस स्त्री के साथ हूं जिसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो तनुश्री हो कि राखी सावंत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।